आप लोग 12th क्लास का हिंदी में कविता पढ़ रहे हैं। पिछला वीडियो में दो क्वेश्चन आंसर हुआ था, उसके आगे के प्रश्न लिखेंगे। क्वेश्चन है, लिखिए, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? किताब है तो किताब पीछे देखिए, क्वेश्चन मिल जाएगा। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? चलिए आंसर में लिखिए, तुलसीदास मां सीता से, तुलसीदास मां सीता से अपनी व्यथा को, व्यथा माने दुख कष्ट, अपनी व्यथा को श्री राम प्रभु के पास पहुंचाने की सहायता मांगते हैं। श्री राम प्रभु के पास पहुंचाने की सहायता मांगते हैं। वे, पूर्ण विराम देके लिखेंगे, वे सीता से भव सागर पार कराने वाले, भव सागर पार कराने वाले, भव सागर कहकर मतलब ये जो माया मोह का जाल है, भव सागर पार कराने वाले श्री राम का गुणगान करते हुए, श्री राम का गुणगान करते हुए मुक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं। मुक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं कि भाई ऐसा व्यवस्था कीजिए कि हम इस संसारिक माया मोह के जंजाल से निकल करके और माने अच्छा मृत्यु को हम प्राप्त करें। मुक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं। पूर्ण विराम देंगे, लिखिए, हे जगत जननी अपने वचन द्वारा, उसी में लिखिए, हे जगत जननी अपने वचन द्वारा मेरी सहायता कीजिए। हे जगत जननी अपनी वचन द्वारा मेरी सहायता कीजिए, यानी आपको जी है कि हमको वचन दीजिए कि आप हमारी क्या करेंगे तो सहायता करेंगे। हो गया क्वेश्चन नंबर, अगला भी आई है, लिखिए, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते थे? सीता से क्यों कहलवाना चाहते थे? चलिए आंसर में लिखेंगे, तुलसीदास सीधे राम से अपनी व्यथा, व्यथा माने दुख कष्ट, अपनी व्यथा ना कहकर सीता से कहलवाना चाहते थे। सीता से कहलवाना चाहते थे क्योंकि अब क्योंकि के बाद डैश दे दीजिए, अब पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट नंबर वन माने पॉइंट में लिखिए कि हाँ भाई डायरेक्ट अपने राम से ना कह के सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं अपनी व्यथा को, है ना? तो पॉइंट नंबर वन में लिखिए तुलसी अपनी बातें स्वयं, तुलसी अपनी बातें स्वयं राम के सामने,
राम के सामने। अच्छा तुलसी जो लिखे हैं तुलसी के बाद को लगा दीजिए, यानी तुलसी को अपनी बातें स्वयं राम के सामने रखने का साहस नहीं हो रहा है। तुलसी को अपनी बातें स्वयं राम के सामने रखने का साहस नहीं हो रहा है। पूर्ण विराम देखें उसी में लिखिए, वे संकोच का अनुभव कर रहे होंगे, वे संकोच का अनुभव कर रहे होंगे। चलिए पॉइंट नंबर टू लिखेंगे, लिखिए, सीता जोर देकर उनकी बातों को, सीता जोर देकर मतलब प्रेशर देकर, सीता जोर देकर उनकी बातों को भगवान श्री राम के सामने रख सकेंगी, भगवान श्री राम के सामने रख सकेंगी। पूर्ण विराम देंगे, लिखिए, ऐसा प्रायः देखा जाता है कि, ऐसा प्रायः देखा जाता है कि किसी व्यक्ति से उनकी पत्नी के माध्यम से, उनकी पत्नी के माध्यम से कार्य कराना अधिक आसान होता है, कार्य कराना अधिक आसान होता है। हो गया पॉइंट नंबर थर्ड लिखेंगे, तीसरा, तुलसी ने सीता जी को माँ माना है, तुलसी ने सीता जी को माँ माना है तथा तथा पूरे रामचरितमानस में, रामचरितमानस को तुलसीदास लिखे हैं उसी के बारे में कह रहा है, ग्रंथ है ही हिंदुओं का, पवित्र ग्रंथ है रामचरितमानस। तुलसी ने सीता जी को माँ माना है तथा पूरे रामचरितमानस में अनेकों बार माँ कहकर ही संबोधित किया है, अनेकों बार माँ कहकर ही संबोधित किया है। पूर्ण विराम देंगे, अब पैराग्राफ चेंज करिए, पॉइंट में ना लिखना है, एक लाइन ऐसी लिखिए नीचे, अतः अतः इन्हीं सभी कारणों से, अतः इन्हीं सभी कारणों से माता सीता द्वारा ही, अतः इन्हीं सभी कारणों से माता सीता द्वारा ही अपनी बातें राम के समक्ष, समक्ष माने सामने, राम के समक्ष रखना ही उन्होंने, रखना ही उन्होंने श्रेष्ठ समझा है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ समझा है। हो गया क्वेश्चन नंबर टू, हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए, थ्री लिखिए, राम के सुनते ही, क्वेश्चन नंबर अगला, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। कौमा दीजिए, तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है, तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है। चलिए तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है, चलिए आंसर में लिखिए, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास राम की भक्ति में,
गोस्वामी तुलसीदास राम की भक्ति में इतने अधिक मग्न थे कि वे पूरे जगत को राममय पाते थे, कि मतलब पूरा संसार में राम मिले हुए हैं, राममय पाते थे। पूर्ण विराम देंगे, लिखिए, अतः उनका यह दृढ़ विश्वास था कि राम के दरबार में पहुंचते ही उनकी बिगड़ी बातें बन जाएगी, पूर्ण विराम देंगे, लिखिए, अर्थात राम ज्यों ही उनकी बातों को जान जाएंगे, कौमदो उनकी समस्याओं एवं कष्टों से अवगत हो जाएंगे, कौमदो वे इसका समाधान कर देंगे, पूर्ण विराम देंगे, लिखिए, उनकी बिगड़ी हुई बातें बन जाएगी, हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे, तुलसी के हृदय में किसका डर है, चलिए आंसर में लिखेंगे, तुलसी की दीनहीन अवस्था में, माने एकदम खराब अवस्था में, उनके सगे संबंधियों इत्यादि में से किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की पूर्ण विराम देंगे, लिखिए, उनके हृदय में इसका संताप था, इससे मुक्ति पाने के लिए अच्छा पहले ही जान लीजिए, मैंने कोई जब मदद नहीं किया तो उनके हृदय में संताप था, के मतलब क्या हो गया, मैंने अपने सगे संबंधियों को गलत समझ रहे थे, तो यही बात क्यों उनको डर था, तो इससे मुक्ति पाने के लिए अब वो साधु संगत में जाएंगे। लिखिए, इससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें संतों की शरण में जाना पड़ा, और उन्हें संतों की शरण में जाना पड़ा और उन्हें वहां यह आश्वासन मिला कि श्री राम की शरण में जाने से सभी संकट दूर हो जाते हैं
श्री राम की शरण में जाने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर, अगला लिखें। राम स्वभाव से कैसे हैं? राम स्वभाव से कैसे हैं? क्वेश्चन मार्क उसी में लिखिए, पठित पदों के आधार पर बताइए, पठित पदों के आधार पर बताइए। यानी चैप्टर पढ़े तो यही सब बताना है कि दौनी है, कृपा निधान है, वे सब पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं, यही लिखना है। तो लिखिए आंसर में, तुलसीदास ने अपने पद में राम के बारे में बताया है कि राम कृपालु हैं, राम कृपालु हैं। पूर्ण विराम देंगे, लिखिए, उनका व्यक्तित्व लोगों के लिए अनुकरण करने योग्य है। आप लोग रामायण में भी देखे होंगे कि पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष के वनवास एकदम हंसते हंसते चल गए, अनुकरणीय है। पूर्ण विराम देंगे, लिखिए, तुलसी कहते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तुलसी कहते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे, पूर्ण विराम दे के लिखिए, खाली बस इसमें राम जो हैं, राम का बड़ाई इस चैप्टर में बताया गया वही लिखना है। वे स्वभाव से उदार और भक्त बत्सल हैं। वे स्वभाव से उदार और भक्त बत्सल हैं। पूर्ण विराम देंगे, वे बहुत बड़े दानी हैं। पूर्ण विराम देंगे, लिखिए, उनका भजन कीर्तन करने से सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। बस हो गया, अब आप लोग अगला वीडियो में फिर आगे पढ़ेंगे, एक दो व्याख्या भी इसमें बता देंगे। बस।